कल 30 मार्च 2019 टीएमसी के एमपी उम्मीदवार दशरथ तिर्की कालचीनी होते हुए चुआपड़ा चाय बागान पहुँचे। वहाँ वे फैक्ट्री में जाकर लोगों से मिले और वोट देने की अपील की। आपको बता दें कि दशरथ तिर्की अलीपुरद्वार की 16वीं लोकसभा में सांसद है। 2014 के चुनावों में उन्होंने पश्चिम बंगाल की अलीपुरद्वार सीटें जीती थी। चलिए जानते हैं कि डुअर्स के श्रमिकों के लिए उन्होंने क्या सोचा है। आज का रैली प्रथम तो अभी हम लोग चुआपाड़ा से शुरू किया, इसके बाद राधा रानी जाएंगे। लेकिन हम लोग का जो नेता लोग है उन लोग के पास शेड्यूल है, बबलूदार के पास आज सारा दिन इधर से फिर ये जायगांव तक का है, फिर इधर बस्ती बाजार से जो ये क्या ये सताली, हाँ सताली बस्ती, आज सारा दिन का 6 बजे तक हम लोग का इधर का प्रचार, निर्वाचनी प्रचार का प्रोग्राम है। जी सर, गान में जो हाजिरा चल रहा है उसके विषय में आपने क्या सोचा है? हाजिरा के विषय में आप लोगों को मालूम है, हाँ 2011 के पहले, ये सरकार आने का पहले हाजिरा बहुत ही कम था। ये सरकार आने के बाद 10 गुन ज़्यादा हम लोग हाजिरा को बढ़ाया है और अभी भी हम लोग का ये मिनिमम वेज के विषय में हम लोग का चिंता भावना है और ये वेज बोर्ड बनाने का भी परिकल्पना है। ये हम लोगों का लेबर मिनिस्टर को बताया गया है, हम लोगों का मुख्यमंत्री को जानकारी है। लेकिन ये सर्विक चाय बागान खाली पश्चिम बंगाल में केवल तो नहीं है, ये पूरा भारतवर्ष में आसाम में है, तमिलनाडु में है, त्रिपुरा में है, बहुत जगह है। तो इसके लिए सब जगह का ये लेके ही वेज बोर्ड गठन हो सकता है, सबका मतामत की जरूरत है। तो इसलिए थोड़ा सा असुविधा है, तब भी हम लोग प्रयास में है और ये हम लोग का मजदूरों का विशेषकर चाय बागानों में सबसे सस्ता मजदूर ब्रिटिश लोगों ने मैंने यहाँ लाया, हम आदिवासियों को, नेपालियों को, और यहाँ जो कि चाय बागान में वही मजदूरी कर सकता है जो कर्मठ होगा एवं सस्ता में। तो आज तो दिन दुनिया इतना आगे बढ़ गया, हम लोग का आदमी लोग शिक्षित हो गया। आज अगर यदि वो सस्ता मजदूर बोल के हम लोगों को डिप्राइव करेगा, कम वेज देगा, तो हम लोग का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने आए दिन जिनिस पत्र का दाम बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग का भी चेष्टा है ये वेज बोर्ड होने से जो सरकारी तौर पर जैसे ये तलब तनख्वाह बढ़ती है वैसे धारावाहिक बढ़ते जाएगा, इसे हम लोग का भी प्रयास है। सर, आप बागान के समस्याओं के लिए जब आप लोकसभा से जीतेंगे तो आपने उसके लिए क्या सोचा है? ऐसे तो मैं भी चाय बागान का ही रहने वाला हूँ, कुमरगाम चाय बागान मेरा घर, और बचपन से ही चाय बागान में काम करते आया हूँ। इसीलिए चाय बागान का मूल समस्या अभी इतना कंपटीशन हो गया कि चाय का दाम आए दिन गिरते जा रहा है, तो जिसके वजह से मालिक लोग अब बहुत प्रकार का मैंने ताल बहाना ये सब करते हैं। तो हम लोगों का सरकार से, हम लोगों का महामंत्री मनोज का सरकार, हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री चाय बागान का जो सुख सुविधा है टिप प्लांटेशन एक्ट के मुताबिक जो सुख सुविधा है वो तो कंपनी के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा हम लोग चाय बागान के लिए जैसे पीने का पानी, ये आपका मेडिकल स्कूल, इसके लिए हम लोग ये सरकारी तौर पर जैसे रेशन, ये सब हम लोग सरकारी तौर पर हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। अब जो बागान बंद हुआ है उसको खोलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम है अमित शाह तो इस बार चाय बागान का मजदूरों के लिए कुछ नहीं बोला, उन लोग तो गत बार विधानसभा वोट में उसका प्रधानमंत्री आके बोला था कि बंद चाय बागान को मैं खुलवा दूंगा, लेकिन एक भी चाय बागान खुलवाया भी नहीं और अधिग्रहण भी नहीं किया। उल्टा हम लोगों का मुख्यमंत्री का प्रयास से, हम लोगों का ट्रेड यूनियन लीडरों का प्रचेष्टा से, हम लोग का लेबर मिनिस्टर का चेष्टा से बहुत चाय बागान हम लोग खोलने सका। कल परसों का एक दिन पहले भी हम लोग डंकन में था, पहले डिमडिमा चाय बागान, उसको भी हम लोगों ने खोला, दूसरा मालिक ले आके
तो हम लोग का प्रयास है चाय बागान को खुलवाने का, और हम लोग चाय बागान के लिए हम लोगों का मुख्यमंत्री है, हम लोग का लेबर मिनिस्टर है, हम लोग का यहाँ लीडर लोग है, स्थानीय लीडर लोग है, हम लोग का ट्रेड यूनियन लीडर हम लोग का मोहन शर्मा है, उसके नेतृत्व में हम लोग चाय बागान में काम कर रहे हैं।